आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। आगामी धनतेरस दिवाली आदि पर्वों को लेकर जमानिया कोतवाली परिसर में सीओ हितेंद्र कृष्ण की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तय किया गया कि इस वर्ष पटाखा बिक्री पर रोक लगाने के लिए विभागीय कार्रवाई की जाएगी तथा लोगों के सुझाव अनुसार पुलिस बंदोबस्त किए जाएंगे। गाजीपुर से आजाद हिंदुस्तान लाइव पर देखिए पूरी खबर। कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक संपन्न। गाजीपुर के जमालिया कोतवाली परिसर में बुधवार की शाम पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। कोविड 19 संक्रमण महामारी से लोगों को बचाने के उद्देश्य को सफल बनाने तथा धनतेरस दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर सीओ हितेंद्र कृष्ण की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर सीओ हितेंद्र कृष्ण ने उपस्थित लोगों से मास्क का प्रयोग करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर जोर देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने सहयोग देने के लिए उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त कर पटाखा बिक्री पर रोक लगाने के लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी ये बताया। एसएचओ राजू कुमार सिंह ने कहा कि आम जनमानस गणों को सुझावों को भी ध्यान में रखते हुए पुलिस की बंदोबस्त कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि घटनाओं को देखते हुए दुकानदारों को अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। सिंह ने ये भी कहा कि आबादी में पटाखा हरगिज बिक्री नहीं करने दी जाएगी। पुलिस चौकी इंचार्ज अनिल कुमार पांडे ने भी त्योहार पर्व को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए समस्या निदान के लिए आश्वासन दिया। इस अवसर पर कोतवाली प्रभारी राजू कुमार सिंह, रेलवे स्टेशन पुलिस चौकी इंचार्ज अनिल कुमार पांडे, वरिष्ठ उपनिरीक्षक मंशाराम गुप्ता, एसआई संतोष कुमार, विनय सिंह के अलावा जयप्रकाश गुप्ता, पंकज निगम, ऋषि यादव, सुनील सिंह, इस्लाम राइन, अरविंद सिंह, उद्धव पांडे, एजाज राइन, गुड्डू नारायण दास चौरसिया, अनिल कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट।